For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. I'm Dr. Zeeshan. I've got postgraduate training in homeopathy from Canadian Academy of Homeopathy. होम्योपैथी को एडवांस लेवल पे स्टडी करने के बाद मैंने वेस्टर्न हर्बोलॉजी को स्टडी किया. वेस्ट में जो प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन, मेडिकल मोड ऑफ एक्शन क्या है. अस्सलाम वालेकुम. पीसीओएस और फाइब्रॉइड्स को प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए आई नीड टू गो डाउन टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. मैं आपसे चंद केसेस पैटर्न शेयर करता हूँ. एक पेशेंट, उसको ठंड बहुत लगती है, राइट साइडेड माइग्रेन है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है. इस पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लिवर प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, लिवर वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो बॉडी को ऑप्टिमली, यानी एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है प्रॉपरली चीज़ों के फंक्शन करने के लिए. अब वो मेटाबोलिज्म या लिवर हीट प्रॉपर ना होने की वजह से चीज़ें, आपकी जो एक्सक्रीटरी चीज़ें हैं जो बॉडी से निकलनी चाहिए वो नहीं निकल रही और कंजील्ड हो रही हैं, अंदर थिक होके जम रही हैं. अब ये ओवरी साइड पे होगा तो ये ओवरीज के सिस्ट बन जाएंगे. ऑफकोर्स एक साथ जो पैटर्न कनेक्टेड ये होगा कि आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, और उसकी रीज़न यही है कि लिवर आपका प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, आपके हॉर्मोन्स आपके अब गड़बड़ होने लगे हैं और वो कंजील्ड पैटर्न बनने लग गया. इस पेशेंट की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप लिवर को प्रॉपरली मेटाबोलाइज करें थ्रू नेचुरल रेमिडीज, नेचुरल मेडिसन्स और न्यूट्रिशन, ताकि पेशेंट की ऑप्टिमल हीट मेंटेन हो और ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सक्रीट हो जाएं और सिस्ट वगैरह साफ हो जाएं. और जब वो लिवर प्रॉपर मेटाबोलाइज करेगा तो आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस होने लग जाएं, क्योंकि लिवर हैज़ अ लॉट ऑफ रोल आपके ना सिर्फ डाइजेशन में बल्कि हॉर्मोन्स और बहुत सारे फंक्शंस में. इवन डिप्रेशन में इसका एक बड़ा रोल होता है, अगर कभी वक्त मिला इस पर बात करेंगे. दूसरा पेशेंट, पेशेंट को ड्राइनेस बहुत है, आंखें खुश्क होती हैं, डॉक्टर माई स्किन इज गेटिंग ड्राई, मेरी आईज ड्राई है, मेरा थ्रोट ड्राई है, ओके, वेरी क्रॉनिक इंसॉम्निया, नींद नहीं रात को आती, बिल्कुल ही नींद खत्म हो गई, जो मेंसेस है उसको फ्लो ही सही तरह से नहीं होता. ये जो पेशेंट है बेसिकली इसका प्रॉब्लम हेल्थी ऑयल डेफिशिएंसी. हमारे यहाँ चूंकि वो हम एक इंडस्ट्रियलाइज एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो जिस चीज़ से जिसमें आप सिर्फ फास्ट फूड खा रहे हैं, आप फूड की जगह फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ वो कैल्सिफाइड बटर जिसे देसी कहते हैं उसका इस्तेमाल नहीं है, अगर है तो प्योर नहीं है. तो हमारे सेल्स की जो एक ऑप्टिमल लेवल ऑयल का चाहिए होता है उसको फंक्शन करने के लिए वो नहीं होता. देन यू गेट द पैटर्न कि आपको ड्राइनेस, आपके सेल्स ड्राई होते हैं, बल्कि यहाँ तक कि पेशेंट यहाँ तक कहते हैं जी मेरा दिमाग खुश हो गया. स्पेशली ये स्टूडेंट से सुनने में आती है, वो दिमाग का खुश होने से मुराद बेसिकली फीलिंग उनको हो रही होती है कि मेरा दिमाग खुश हो रहा है, क्योंकि हेल्थी वाइज की डेफिशिएंसी. अब इनका जो PCOS होगा उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी पहले से. ऑफकोर्स लिवर इसमें भी इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें हम और तरह से ट्रीट करेंगे ताकि हम रूट कॉज पे जाके उस डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकें. थर्ड पैटर्न, एक पेशेंट है एक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ वेट, पानी जमा हो रहा है, जिससे इसका फैट बेस्ड ओबेसिटी, सिर्फ ये है कि वाटर रिटेंशन है जिससे जो है पांव सूजे रहते हैं और ओबेसिटी डेवलप हो रही है. मेंसेस बंद हो गए हैं जी, अरसा दराज से मेंसेस ही नहीं हो रहे. अच्छा, ये दूसरी तरफ बर्निंग रिलेशनशिप में बर्निंग बहुत होती है, या यूरिन पास करते बर्निंग होती है. ये जो पैटर्न है इसमें इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल और होगी. इसमें इस पैटर्न में क्या होता है कि लिवर ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाता है और उसका कनेक्शन बाज़ का नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम ओवर स्टिम्युलेटेड होते हैं, या बाज़ का लिवर के साथ मस्कुलर सिस्टम ओवर अफेक्टेड होता है और फिर ये इस तरह का पैटर्न देता है. अब इसका ट्रीटमेंट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज आई मेंशन बिफोर. जो पहले दो मैंने आपसे केसेस बात की, एग्जांपल्स दी, उनसे बिल्कुल डिफरेंट. तो बेसिकली किसी चीज को प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव गुड होलिस्टिक डायग्नोसिस के डाउन टू द रूट कॉज असल प्रॉब्लम क्या है, और यही मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है टू डिस्कवर द रूट कॉज. जिसके लिए मैं आपके सिम्टम्स को डिटेल में लेता हूँ, मेरा 20-30 मिनट्स का सेशन होता है, चाहे फोन पे हो चाहे या मेरे क्लिनिक में. आपकी सारी डिटेल्स देख के, आपका मेडिकल रिकॉर्ड देख कर, आपकी पल्स देख के, या और कुछ चीज़ें जिससे मैं देख कर आई कम टू अ डायग्नोसिस की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एंड दैट बेस्ड ऑन दैट मैं आपको बताता हूँ कि फिर कौन से प्लांट्स अब आपके लिए इंडिकेटेड है. हर चीज़, चाहे वो नेचुरल मेडिसिन है, हर चीज़ हर एक के लिए इफेक्टिव नहीं होती. वी हैव टू नो कि किस डिजीज पैटर्न के लिए कौन से प्लांट या सेट ऑफ प्लांट्स इंडिकेटेड है.
अच्छा फाइब्रॉइड के वाले से, फाइब्रॉइड में ये मैकेनिज्म होता है कि आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है बॉडी की वो म्यूकस एक्सक्रीट कर रही होती है. अच्छा उसका जो है डिटॉक्स प्रॉपर नहीं होता, वो पहली बात है वो बनना नहीं चाहिए एक्सेसिव म्यूकस, वो आपकी डाइट ऐसी जिसकी वजह से बन रहा है. दूसरी तरफ से आपका एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म या आपका डिटॉक्स मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है, अब वो अंदर ही कंजील्ड हो रहा है यानी अंदर ही जम रहा है. अब अगर आपके यूट्रस साइड पे है तो उसे फाइब्रॉइड्स कहते हैं, अगर आपके वो किडनीज में तो किडनी स्टोन है, अगर आपके गॉल ब्लैडर में तो गॉल ब्लैडर स्टोन. अब इसमें मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ टू वे एक्शन करता हूँ, एक तो हमने फाइब्रॉइड्स को मेल्ट करना, सेकेंडली हमने बॉडी की उस टेंडेंसी को करेक्ट करना है कि वो क्यों इस तरीके से प्रोड्यूस कर रही है म्यूकस को और क्यों इस तरीके से उन चीजों को बना रही है. यूट्रस को रिमूव कर देना कहीं की अकलमंदी नहीं है. सोल्यूशन ये है कि आप पेशेंट की टेंडेंसी को करेक्ट करें, उसको एक तरह से मेल्ट करें और दूसरी तरफ से उसकी टेंडेंसी को करेक्ट करें ताकि प्रॉपर तरीके से पेशेंट रिकवर कर जाए. वंस फाइब्रॉइड्स आर मेल्टेड फिर उसके बाद अगर फॉलिकल नहीं मैच्योर हो रहा है फिर मैं उस साइड पे जाऊंगा देखने के लिए ट्यूब्स ब्लॉक हैं, वो तो आमतौर पर इन्फ्लेमेटरी ब्लॉकेज होती है जो फाइब्रॉइड के साथ बेहतर होने लग जाती है. उसके बाद अगर फॉलिकल नहीं बनना दैट्स रिलेटिवली इजी टू ट्रीट और दैट्स हाउ आप पेशेंट्स की हेल्प कर सकते हैं. और एक और मैं आपसे एक अपने एक्सपीरियंस की बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिन लोगों को जो औरतें कंसीव नहीं कर पाती, दो वजूहत आमतौर पर होती हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन और जो मैंने लिटरेचर स्टडी की है रिलायबल लिटरेचर. नंबर वन, जिनको मेटोरेजिया पैटर्न यानी ब्लीडिंग 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 थ्रू आउट द मंथ, उनको ये पता ही नहीं होता कब पाक हुई है या अब मेंसेस से पाक हुई है फिर बीच में स्पॉटिंग शुरू हो जाएगी उनको, हार्मोन्स ओवर स्टिमुलेशन की वजह से ये पैटर्न पैदा होता है. दूसरा, वो खवातीन जिनको लकोरिया का प्रॉब्लम रहता है, उनकी जो है इनफेक्ट इन्फेक्शन है बेसिकली क्रॉनिक इन्फेक्शन जिसकी और इसके पीछे आमतौर पर वो गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से उनका इन्वायरमेंट ही फेवरेबल नहीं होता कि स्पर्म्स ट्रैवल करके जाकर फ्लोपिंग ट्यूब के अंदर ट्रैवल कर सके. तो प्रॉपरली डायग्नोज करना पेशेंट को और फिर अपने नेचुरल मेडिसिन के एक्शन को डीपली समझना एंड देन मेकिंग अ करेक्शन, इस तरीके से अलहमदुल्ला बहुत सारे क्रॉनिक इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं.